पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंची महिला कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गढ़रेजा गांव की एक महिला पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पहुंची। यहां महिला ने आवेदन देकर पति को गिरफ्तार करने की मांग की है। महिला भोरिया बाई यादव ने बताया कि 6 साल पहले उसकी शादी गढ़रेजा गांव के शील कुमार यादव से हुई थी। शादी के 2 साल बाद दहेज की मांग को लेकर पति ने उसे छोड़ दिया, जिसका केस कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय से कई बार पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, लेकिन बदरवास थाना पुलिस पति को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसे परेशान महिला ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजन सुनवाई में आवेदन देकर पति की गिरफ्तारी की मांग की है। नाम है आपका? बुरिया भाई। कौन से गांव की हो आप? गढ़रेजा। क्या समस्या लेके आई हो कलेक्ट्रेट में? मतलब ससुराल वाले रखते नहीं है। कब शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी लगभग 6 साल हो गए। अच्छा, तो कितने साल रखा आपको पति ने? 2 साल। तो बच्चे वगैरह भी हैं आपके? बच्चे है। अब क्या समस्या आ रही है आपको? अब जिस वक्त आ रही है तो कोर्ट में केस भी चल रहा था, वहाँ से कोर्ट भी मैं जीत गई मैं, और प्लस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब आप क्या चाहती हो? मैं तो वहाँ पर ये चाहती हूँ पुलिस कार्रवाई कर ले, उसको गिरफ्तार कर ले। अच्छा, पति को गिरफ्तार कराना चाहती हो? पति।